करवा चौथ मनाएंगे और हम करवा चौथ मनाएंगे कल। आप सभी को इस बेहतरीन सुबह में नमस्कार। उत्तराखंड के काशीपुर शहर से हम अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। लगातार बारिश होने के बाद 3-4 दिन अब मौसम जो है साफ हुआ है और आज खिली है चटक धूप। तो आज है 13 अक्टूबर सन 2022 का दिन और आज पूरे भारतवर्ष में महिलाओं के द्वारा करवा चौथ का व्रत लिया जा रहा है। जैसा कि आप जानते होंगे कि करवा चौथ का व्रत प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है सुहागिन महिलाओं के द्वारा और यह व्रत कार्तिक माह की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आती है उस दिन मनाया जाता है और इसको कहा जाता है कर्क चतुर्थी या करवा चौथ। पूरे साल भर में एक दिन यही होता है जिस दिन घर में पति की पूजा की जाती है, तो ये बहुत ही गौरवशाली बात है पतियों के लिए कि उस दिन उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। यह सर्वसिद्ध है कि यह एक प्राचीन परंपरा है और भारतवर्ष के कुछ प्रांतों में ये मनाया जाता था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया ने इसके प्रचार प्रसार को बढ़ाया और अब यह लगभग पूरे भारतवर्ष में मनाया जाने लगा है। नारी को हमारे देश में शक्ति का प्रतीक माना गया है और उनके पास इतनी शक्ति है कि वे इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं सुबह से लेकर के और शाम तक, जब तक कि चंद्रोदय होता है, और चंद्रोदय के पश्चात ही वे अपने व्रत का समापन करती हैं। तो यह व्रत नारियों को समर्पित है, उनकी शक्ति को समर्पित है। करवा चौथ के बाद अब फिर दीपावली का पर्व आएगा, तो इसलिए आजकल बाज़ारों में काफ़ी चहल पहल है और बाजार अच्छी तरह से सजाए गए हैं। क्या ये मेहंदी स्नेहा ने लगाई है? स्नेहा क्या आप सच बताओगी? ये मेहंदी लगाई है इन्होंने। तो दगड़ियों अभी समय हो गया है रात के 8:30 बजे और चंद्रदेव जो थे यहाँ पर 8:20 पर आ चुके थे, लेकिन किन्हीं व्यस्तताओं के कारण हम समय से छत में नहीं आ पाए। तो चलिए अब आगे का जो भी अनुष्ठान होता है, पूजन का कार्यक्रम होता है, चंद्रोदय हो चुका है, चंद्रदेव के दर्शन करते हैं। बिल्कुल स्वागतम स्वागतम स्वागतम। देखिए ठीक सामने चतुर्थी तिथि का चांद हमें दिखाई दे रहा है
ये है हमारा छोटा पहलवान, तो रात को साइकिल चलाएगा क्या है? क्योंकि अब इसके लिए करवा चौथ रखने की व्रत रखने वाली कोई आई नहीं है। अच्छा पढ़ाई कर बेटे, बहुत जल्दी हो जाएगा तेरा ये सपना पूरा, ठीक है? मैं करूंगा तेरा ये सपना पूरा, ठीक है? बहुत जल्दी पढ़ाई कर जम के। टीका बढ़िया लगा यार क्योंकि तूने ना फैल गया। दीपम ज्योति परब्रह्म, दीपम ज्योति जनार्दनम, दीपम ज्योति हरतु मे पापम, दीपम ज्योति नमोस्तुते। तो चंद्रदेव की विधिवत पूजन अर्चन के बाद अब पिलाते हैं महोदया को जल। आइए। तो हमारे घर में एक ही सोने का लोटा है और इसको हम आज उपयोग में ला रहे हैं। पिलाइए ना। डर गई लड़की पटाखों से। पी लो, ऐसे पी लो। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे पीना है। और पी लो, प्यास लगी होगी सुबह से। बस आऊंगे लाम मिठाई खिला। आप भी पी लो, पिया नहीं बहुत दूर से। जय बोलेंगे। आज इस पानी का स्वाद बहुत अच्छा है। आज स्पेशल पानी है ये। बर्फी खाओ बर्फी। कितना बड़ा मुंह कर रहा है। ये हमारी फोटो खींच रहे हो, हमारी वीडियो बना रहे हो? वीडियो भी और फोटो। हां, शादी की उसकी वीडियो शूट हो रही है। स्नेहा कुछ नहीं बोल रही। सही से रोज रोज चिपक के इसकी खराब हो जाएगा। तो दोस्तों ये है, देखिए हमारी कुमाऊनी संस्कृति। पिछौड़ी पहने हुए स्नेहा और हमारे छोटे भ्राता पंकज जी। तो अब आज के इस ब्लॉग को हम कर रहे हैं यहीं पर समाप्त। सभी युगल छवियों को हमारी तरफ से करक चतुर्थी यानी कि करवा चौथ की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दाम्पत्य जीवन आनंदित रहे, प्रसन्न रहे और सुख समृद्धि सदैव आपके पास बनी रहे। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवी।